हाय गाइस, स्वागत है आपका मसालेदार कुकिंग में। आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट डिश छोला पूरी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम छोले भिगोएंगे, तो एक बोल में एक कप छोले को 2 से 3 कप पानी में 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दें। छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे, तो कुछ इस तरह दिखेंगे आपके छोले। तो पहले हम छोले को प्रेशर कुक करेंगे। तो आप एक कुकर में छोले के साथ 2 कप पानी डालें। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल के 4 से 5 विसल तक पकाएं। तो जब तक छोले पक रहे हैं, हम करते हैं ग्रेवी की तैयारी। पहले हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा पीस अदरक, 2-3 लहसुन और थोड़ा सा पानी डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब ये पेस्ट तो रेडी है, तो आइए बनाते हैं टमाटर का पेस्ट। तो एक ब्लेंडर में 3 टमाटर लें और इसका भी स्मूथ पेस्ट बना लें। चलिए अब बनाते हैं ग्रेवी। तो अब एक कढ़ाई या पैन लीजिए, उसमें डालिए 3 टेबलस्पून तेल। अब तेल थोड़ा गर्म होते ही इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ लिया है 1 तेज पत्ता, 1 पीस दालचीनी, 2 इलायची, 2 लौंग और 2 काली मिर्च। इनको थोड़ा सा रोस्ट करके अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा और राई चटकने लग जाए, इसमें हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट। इस पेस्ट को हमें करीब 1 से 2 मिनट तक पकाना है, जब तक इसकी कच्ची सी स्मेल ना चली जाए। अब इसमें हम मिलाएंगे सूखे मसाले। तो पहले डालिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें और 4 से 5 मिनट तक पकाएं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और फिर 1 मिनट तक पकाएंगे। अब ये पेस्ट तो रेडी है, इसमें मिलाएंगे हम टोमेटो प्यूरी। अब इस पेस्ट को पकाने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स करें और करीब 10 से 12 मिनट तक पकाएं, जब तक टमाटर पक ना जाए। अब जैसे आप देख सकते हो, मसाला रेडी है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे छोले। अब इसे मिक्स करें और इसमें मिलाएं 1 से 1.5 कप पानी। और अब मिलाएंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून इमली चटनी। अब इस चटनी का बहुत अच्छा खट्टा मीठा फ्लेवर आता है, ट्राई ज़रूर करिएगा। इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें और कुछ 5 मिनट तक पकाएं। इसे आप देख सकते हो, छोले रेडी है। तो आइए इसे गार्निश करते हैं हम धनिया से। अब बनाएंगे हम पूरी। तो एक बोल में 1 से 1.5 कप आटा लीजिए, उसमें डालिए 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून तेल। और अब इसमें हम पानी डाल के थोड़ा हार्ड आटा लगाएंगे। ध्यान रहे, पूरी का आटा नॉर्मल से थोड़ा हार्ड रहना चाहिए। अब इसको हम कुछ 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए साइड में रखेंगे। कुछ 10 मिनट के बाद इसे हम एक बार फिर थोड़ा सा तेल लगाकर सॉफ्ट बनाएंगे। अब इसके आप छोटे छोटे पेड़े बनाएं
और छोटी छोटी पूरी बेल लीजिए। ये कुछ पूरी मैंने रेडी की है, तो आइए इसे हम फ्राई करते हैं। तो इसे आप तेल में डाल के दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए रेडी है, बहुत ही मज़ेदार पूरी। ये इसे सर्व करते हैं। ये देखिए रेडी है मज़ेदार, होटल से भी बहुत ही टेस्टी छोले पूरी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।